हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं विम एडिटर की कमांड्स, ठीक है, इस वीडियो में। तो मैं पावर ऑन कर लेता हूँ अपनी SIT एनवायरमेंट जो मशीन है मेरी, उसको मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता ये मशीन मैंने कैसे एक्टिव करी है, तो आप मेरा पहला वीडियो देखो, वहां जाके आप इसको लॉग इन करो, ठीक है। और वहां पे आपको रूट यूजर मिलेगा, रूट यूजर के थ्रू आप जहाँ पे जो पासवर्ड सेट करोगे उसी पासवर्ड से यहाँ पे लॉग इन होगा, ठीक है। तो आप लोग पहला वाला वीडियो देख लो, वर्चुअल मशीन का जो VMware का सेटअप है, लिनक्स इंस्टॉल करना है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लो, राइट। और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके थ्रू ही प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता नहीं हूं कि आप कोई प्ले ग्राउंड पे जाओ, या मतलब प्ले ग्राउंड मतलब एक एप्लीकेशन है जहां पे आप जाके विम एडिटर ये लिनक्स की कमांड्स को ट्राई कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता हूँ। सो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप करो, ठीक है। अगर आपको एक्चुअली बेनिफिट चाहिए कंपनी लेवल पे, तो आपको इन्हीं तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो जो EC2 वगैरह इंस्टेंस वगैरह लॉन्च करके लोग बताते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसके थ्रू चलो, जहां पे आपको प्योर अभी सिर्फ लिनक्स सीखनी है। आपको अभी कोई भी मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं अभी सिर्फ लिनक्स सिखा रहा हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने सीरीज बनाई है, ये 0 to सुपर हीरो बनाई है, ठीक है। मैंने कोई हीरो वीरो नहीं रखा है, सुपर हीरो है। आपको मतलब सिखाना है तो ऐसा सिखाना है जो आपको काम आए, ठीक है। जब आप पूरी सीरीज मेरी देख लोगे ना, जितने टाइम लगेगा 4-6 महीने ये देख लोगे ना, इसके बाद आप ऑलरेडी उतने एक्सपीरियंस आपको फील होगा अपने आप में, कि आप जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं ना लोग, उनसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस फील होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रूट यूजर से कर लेता हूँ लॉग इन, ठीक है। और पासवर्ड मैंने रखा था बेसिकली रेड हैट, तो मैंने यहाँ से लॉग इन कर लिया रेड हैट के थ्रू। आप लोग भी रेड हैट रख सकते हो पासवर्ड, या आपने जो भी रूट यूजर का पासवर्ड रखा होगा ना, वहीं से आपको मतलब एक्सेस मिलेगा अंदर आने का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ विम एडिटर के कमांड्स करने वाले हैं आज। तो विम एडिटर एक क्या होता है? विम एडिटर बेसिकली एक एडिटर है ना, लिनक्स मशीन के अंदर जो हमारी फाइल्स, जो हम फाइल बनाते हैं ना .txt या .html, उनके अंदर कंटेंट लिखने के लिए हम विम एडिटर यूज करते हैं, ठीक है। सो मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज बने, मैं शॉर्टकट में वीडियोज बनाकर, शॉर्टकट मतलब छोटी वीडियोज बना करके मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक वीडियो में लिनक्स को 10 घंटे नहीं पढ़ा सकता मैं, तो छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो हम आ जाएंगे अंदर, और ये मैंने खोल लिया अपना टर्मिनल। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप बड़ा कर लेना, एंड हम अपने पहले कमांड शुरू करते हैं विम। और मैं यहाँ बनाता हूँ टेक्स्ट tech.txt एंड एंटर, ठीक है। जैसे मैं करूंगा विम tech.txt एंटर, आप आ जाओगे इस एडिटर के अंदर। यहाँ आपको दिखाएगा न्यू फाइल, और यहाँ लिखा होगा फाइल का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर्सर ब्लिंक करा, आप कुछ लिखोगे ना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका आप सिंपली इसको टाइप करने के लिए आपको, आप यहाँ पे आई प्रेस कर लेना, मेरा गलती से आई प्रेस हो गया था, तो आप इंसर्ट मोड पे आ गए। अब देखो यहाँ इंसर्ट लिखा है ना, ये आप जब आप प्रेस करोगे, जो भी चीज यहाँ प्रेस करोगे, अब वो यहाँ पे एडिट हो जाएगी, ठीक है। सपोज मैं प्रेस करता हूँ हेलो, आओ, आप लाइन से लिख सकते हो हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। वेलकम टू दी वर्ल्ड, मैं थोड़ा सा कंटेंट इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड सुपर हीरो डेवॉप्स, ठीक है। सपोज मैंने इतना एंटर कर लिया, ठीक है, इतना मैंने एंटर कर लिया है। एंड इसको मैं क्या करने वाला हूं ना, एस्केप प्रेस करूंगा, ठीक है। एस्केप सबसे कोने का बटन होता है अपने कीबोर्ड में, एस्केप, ठीक है। शिफ्ट सेमी शिफ्ट कॉलन जो एल के बगल में है, शिफ्ट कॉलन, ठीक है। WQ एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क जो कि 1 पे होता है, शिफ्ट दबा के आप 1 दबाओगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं कर दूंगा एंटर, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ कैट, मैं आपको सब बताऊंगा, परेशान मत होना। कैट कमांड क्या करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैट कमांड हमारी अंदर देखने के लिए होती है कि क्या लिखा है उस फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ कैट tech.txt लिखा मैंने, तो जो मैंने लिखा था वो सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार और चलता हूँ, एक फाइल आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज करो मैं फाइल बना रहा हूँ विम, ठीक है, विम asdf.txt, ठीक है। एक मैंने फाइल बनाई asdf.txt एंड एंटर किया, ठीक है। अब मैं इसमें कोई सामान कोई भी मैं लिख रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है, ये मैंने कुछ कंटेंट डाला इसमें, राइट। इसको मैंने लिखा, अब मैंने एस्केप दबाया, ठीक है, शिफ्ट कॉलन दबाया और क्यू दबाया, ठीक है, और मैं बाहर आ गया। ओके, तो ये मुझे कह रहा है कि ऐसे नहीं आ पाओगे, शिफ्ट कॉलन दबाओ, क्यू दबाओ एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाओ फोर्थफुली बाहर आने के लिए, ठीक है। अब ये फाइल मैंने बना दी है, ठीक, और मैं इस फाइल से बाहर आ रहा हूँ, asdf.txt फाइल से मैं बाहर आ गया, ठीक है। अगर मैं आप करता हूँ कैट और यहाँ ए करूंगा, तो देखो दिखाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ क्यू दबाया था, राइट। अब मैं ls करता हूँ ना तो भी आपको नहीं दिखाएगा, अगर मैं ls -lrth करता हूँ ना तो भी आपको नहीं आएगा, सिर्फ आपको अपनी आपकी फाइल दिखाएगा, कौन सी वाली,
टेक डॉट टी एक्स टी दिखाएगा, ठीक है। सो आपको वो फाइल नहीं दिखाएगा जो हमने अभी बनाई है ASDF नाम से, राइट। तो अब आप यहां क्या कर सकते हो, ठीक है, अब वो सेव नहीं हुई थी, तो वो सेव कैसे होती, सपोज करो मैं अगर फाइल बनाता, ये मान लो ASDF नाम की मैं फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं करता हूँ इसको एंटर, अब मैं इसमें कोई कंटेंट लिखता, ठीक, ये मेरा कंटेंट था, मैंने एस्केप दबाता, शिफ्ट कॉलन दबाता और W करता सेव करने के लिए, क्यू करता क्विट करने के लिए, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क करता फोर्सफुली बाहर जाने के लिए, राइट, एंटर। अब अगर मैं करता यहां पे ls, तो आपको दिख जाती सी दिस asdf.txt नाम की फाइल, ठीक है। अगर मैं ls-lrts करता तो आपको यहां भी वो मेंशन हो जाती, ठीक है। अगर मैं यहां पे cat मेंशन करता इसके लिए, तो भी हमें इसके अंदर का डेटा दिख जाता है यहां पे सामने, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने जो फाइल बनाई है सपोज ये tech.txt, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस फाइल को खोले बिना इसकी शुरू की 3 लाइनें मैं यहां पे पेस्ट कर दूं, ठीक है, शुरू की 3 लाइनें मैं यहां पे पेस्ट कर दूं, तो मैं यहां करूंगा हेड, ठीक है, -3, ठीक है, tech.txt एंड एंटर एंड से दिस हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, ये 3 लाइनें थी जो कि यहां पे मेंशन हो गई। अगर मैं यही कहता यहां पे अगर 5, तो ये ऊपर की 5 लाइनें इसने प्रिंट कर दी जो कि उसके अंदर लिखी थी, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं कैट टेक डॉट टी एस टी, तो ये इतनी फाइलें थी, इतने मतलब इसके अंदर इतना डेटा था, ठीक है। अब मैंने यहां पे जब डाला 5, तो इसने शुरू की 5 यानी हेलो से लेकर के 2 तक का यहां पे देखो दे दिया इसने, है ना, शुरू की 5 लाइनें इसने प्रिंट कर दी। तो आप लोग हेड कमांड यूज करके शुरू की 5 लाइनें प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसे में अगर टेल कमांड यूज करूं कि tail-3, ठीक है, tag.txt, तो आपको देखोगे कि मेरे नीचे की 2-3 लाइनें इसने पेस्ट कर दी है। एक तो मेरा खाली स्पेस था वो भी पड़ा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे एंटर मार के तब मैंने सेव किया था, डेवऑप्स में एंटर मारा तो एक लाइन यहाँ पे और आ गई, तो वो भी सेव हो गई है। जब मैंने 3 किया तो यहाँ पे इसने आखिरी की 3 लाइनें दे दी, एक तो ब्लैंक लाइन दे दी प्रिंट कर दी जो मेरी फाइल में पड़ी है, और डेवऑप्स और हीरो, मतलब आखिरी की 3 लाइनों में जो भी चीज होगी वो यहाँ पे सामने आ जाएगी टेल कमांड से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ शॉर्टकट की बात करेंगे विम एडिटर के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं करता हूं विम text.txt, तो मैं आ गया हूं इस विम एडिटर के अंदर, ठीक है। यहां आने के बाद आप आई प्रेस करके इंसर्ट मोड पे आ सकते हो, ठीक है, इस पे। अब देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, सपोज करो जो मेरा डेटा, जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, हर लाइन के आगे मुझे एक नंबर लगाना है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट कॉलन दबाता हूं, ठीक है, एस्केप दबाया मैंने, शिफ्ट कॉलन दबाया, राइट, और मैं यहां करता हूं सेट नंबर एंड एंटर एंड सी दिस, यहां पे नंबर आ गया। हाँ, लेकिन जब आप कैट प्रिंट करोगे ना, बाहर आप कैट प्रिंट करोगे तो वो नंबर प्रिंट नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। जब आप एडिटर के काम कर रहे होगे अंदर, तो आपको यहां से ऊपर नीचे जाना इजी पड़ेगा इस लाइन के थ्रू, राइट। कैसे इजी पड़ेगा देखो बताता हूं। अब मैंने सेट कर दिया नंबर, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब अगर मैं करता हूं शिफ्ट कॉलन, ठीक है, और शिफ्ट कॉलन मैं अगर करता हूं 5, ठीक है, सपोज करो, तो एंटर करूंगा तो मेरा कर्सर सीधा 5 पे आ गया, देखो 5 पे ब्लिंक कर रहा है ना। वैसे मैं करता हूं अगर शिफ्ट कॉलन, और मुझे अगर आना है सपोज करो सुपर पे, यानी 9 पे आना है, तो मैं 9 कर दूंगा, सीधा 9 पे मेरा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। इसकी आपको ना बहुत हैंडी होना पड़ेगा, जैसे आपको शिफ्ट अपने कॉलन दबाया, ठीक है, 10 दबा दिया तो आप 10 वाले पे आ गए, ठीक है, शिफ्ट कॉलन दबाया 2 दबा दिया 2 पे चले गए, ठीक है। तो आप अपने चीजों को यहाँ पे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आप, अब मुझे क्या करना है, अब सपोज करो मुझे 2 के नीचे की लाइनें जो है, 2 के नीचे की 2 लाइनें जो पेस्ट करनी है, ठीक है, मैं कॉपी करनी है फिलहाल, मुझे 2 लाइनें फिलहाल कॉपी करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूं, एस्केप दबाया शिफ्ट 2 दबा दिया, ठीक है, सो मैं आ गया 2 के नीचे, ठीक है। अब मैं करूंगा वाई, ठीक है, मतलब मैंने वाई कर दिया, एंड अगर मुझे सपोज वहीं पे पेस्ट करनी 2 लाइन, मैं पेस्ट कर दूंगा तो हाउ, मतलब मेरा 2 वाला जो था वो वहीं पे मेरा पेस्ट हो गया, राइट। जो 2 वाला था मेरा, 2 लाइन थी वो एग्जैक्टली यहीं पे मेरे नीचे आके पेस्ट हो गई, 2 नंबर की लाइन थी, हाउ, ये हाउ यहाँ पे आके पेस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज करो मुझे ये लाइन है, सपोज मेरी 4th वाली लाइन है, ठीक है, अगर मैं करता हूँ दिस, तो मैं आ गया हूँ, सॉरी 6 पे आ गया मैं, शिफ्ट मुझे आना था 4 वाली लाइन जो मेरी मे आई हेल्प यू वाली है, ठीक है। अब मुझे ये लाइन मुझे कॉपी करनी है, राइट, तो इसको मुझे कॉपी करके मुझे इसको सपोज करो कहीं और पेस्ट करना है, ठीक। अब देखो मैं कैसे करता हूं इसको, ये मैंने वाई कर लिया, ठीक है, एंड मैंने शिफ्ट करके P
पी, अब ये 7 के नीचे आकर के पेस्ट हो गई है, मतलब मैंने वहां से कॉपी करी, ठीक है। अभी जो मैं लिखता हूँ ना पी, वो आपको दिखेगा नहीं नीचे, ठीक है। सपोज करो मेरी लाइन नंबर 8 है, ठीक है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, शिफ्ट कॉलन 8, ठीक है, मैं 8 पे आ गया, वाई वाई, दो बार वाई दबाऊंगा, इसने कॉपी कर लिया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब इसने कॉपी कर लिया, अब मुझे इसको पेस्ट कहाँ करना है, सपोज मेरे को पेस्ट करना है 13 के नीचे, तो मैं फिर शिफ्ट कॉलन दबाऊंगा, 13 पे आऊंगा, ठीक है, यहां आके मतलब पी दबा दूंगा, तो ये 13 के नीचे आकर के पेस्ट हो जाएगी। मतलब सिंपल तरीका है, ऊपर आपने कॉपी किया, जहां आपको पेस्ट करना है बस वहां कर्सर को ले जाओ। तो ले कैसे जाना है हमें, कर्सर ऊपर नीचे कैसे ले जाना है हमको, शिफ्ट कॉलन नंबर ऑफ लाइन से डालूंगा तो सीधा ऊपर नीचे आ जाएंगे हम, एंड वहां पेस्ट कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं शिफ्ट कॉलन और 4 पे हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं एंड में, अगर ये नंबरिंग नहीं हो रखी है, ठीक है, या फिर सपोज करो ये बहुत सारी लाइन्स हैं अगर, तो मुझे नहीं दिखेंगी ना एक्चुअली में। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहां आ गया, ठीक है, अगर ये ऐसे लाइन्स हैं बहुत सारी, ठीक है, और मैं हूं टॉप वाली लाइन पे, अगर सपोज करो, सॉरी, अगर मैं यहां पे, मुझे नहीं पता नीचे कितनी लाइन्स है नीचे, ठीक है, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करने से अच्छा है मैं सीधा शिफ्ट जी दबाऊंगा तो सीधा नीचे आ जाएंगे, राइट, एकदम लास्ट में आ जाएंगे। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, अब देखो मुझे चलना है सपोज करो लाइन नंबर 3 पे पहले, तो मैं शिफ्ट कॉलन 3 करूंगा तो हम आ जाएंगे 3 पे, ठीक। यहां मैंने वाई वाई किया, ठीक है, मैंने वापस से कॉपी कर ली है लाइनें, ठीक है, ये मैंने क्या 1 एंड पेस्ट, सॉरी एंड पेस्ट, तो मेरी लाइन यहाँ पे कॉपी हो गई, जो कि आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे अगर ये लाइन डिलीट करनी है, ठीक, अगर मैं करता हूँ डिलीट, तो उसको डी डी प्रेस करूंगा तो ये हो गया डिलीट, एंड यू प्रेस करूंगा तो अनडू। जैसे कि मेरा अभी गड़बड़ हो गया था तो मैंने जल्दीबाजी में कंट्रोल जेड दबा दिया था, तो मैं आ गया था बाहर, ठीक है, तो मुझे अनडू कमांड याद आ गई, तो अनडू करते हैं हम यू से, राइट। अगर मैं, मुझे यहां से 3 लाइनें डिलीट करनी है, ठीक है, ये जो 4 5 6 नंबर लाइन डिलीट करनी है, तो मैं 3 DD प्रेस करूंगा तो वो 3 लाइनें डिलीट हो गई हैं, एंड यू करूंगा तो वापस आ जाएंगी, ठीक है। 4 DD करूंगा तो 4 लाइन डिलीट हो गई है, यू करूंगा तो वापस आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहां से 5 DD करता हूं तो सारी लाइन डिलीट हो गई 5 की 5, और यू करूंगा तो वापस आ जाएंगी, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, मुझे सपोज चलना है लास्ट लाइन पे, तो मैं शिफ्ट जी करूंगा, आ जाऊंगा सीधा लास्ट लाइन पे, ठीक है। एंड यहां पे मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, बेसिकली क्लाउड एंटर कर दिया मैंने, ठीक है, यहां तक इजिली एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सपोज करो अगर मैं किसी और लाइन पे हूं, सपोज मैं यहां पे हूं 2 नंबर लाइन पे, ठीक है, अब मुझे लास्ट लाइन पे जाना है। लास्ट लाइन पे तो आपको मैंने बता ही दिया है, शिफ्ट जी से जाओगे तो आप लास्ट लाइन पे आ जाओगे। मैं चाहता हूँ ना, जैसे कि अगर ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं यहां पे हूं, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 7 नंबर के नीचे एक लाइन चाहिए, इसके नीचे एक लाइन चाहिए बिना इंसर्ट मोड पे जाए, और मुझे कंटेंट भी ऐड करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एस्केप दबा के आप एकदम एस्केप मोड पे रहोगे बाहर, आपको बस ओ प्रेस करना है। जैसे आप ओ प्रेस करोगे ना, एक नई लाइन एंटर हो जाएगी, वो भी ब्लैंक, मतलब आप वहां जाकर के एडिट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप शान लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप टॉम लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे आप तो एंटर कर ले रहे हो, ठीक है। अगर मैं एस्केप दबा दूं तो अब यहाँ पे आप एंटर करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इंसर्ट मोड भी नहीं आ रहा, देखो एंटर कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है सिर्फ, ठीक है। अगर मैं ओ प्रेस कर दूंगा तो तुरंत नीचे एक लाइन एड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बस हमारी कमांड्स एडिटर की इतनी थी, जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। यहां से आप शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ चलोगे अगर, तो भी सेव कर लोगे, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, शिफ्ट कॉलन, सॉरी एस्केप मोड पे चलेंगे पहले हम, एस्केप पे आ गए, शिफ्ट कॉलन, और यहाँ पे आप एक्स दबा करके भी एक्सक्लेमेटरी मार्क करोगे तो भी आप बाहर आ जाओगे, ठीक है, सेव करके। वहां पे एक्स का मतलब ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है, एक्स का मतलब भी है सेव, ठीक है, सेव एंड क्विट दोनों चीजें एक्स करता है हमारा, ठीक है। सो मैं फिलहाल यहां से आता हूं बाहर, ठीक है। ओके, सो ये हम हमारी आज की कमांड्स थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कमांड्स याद हो गई होंगी, ठीक है, याद नहीं हुई आप इसकी प्रैक्टिस करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, ये सेटअप करना मत भूलना, अब इसको प्लीज सेटअप इंस्टॉल कर लो, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो प्लीज सेटअप इंस्टॉल कर लो। मैंने पहला वीडियो बना रखा है वीएम वर्क स्टेशन का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जा करके उसको तुरंत सेटअप रेडी करो, एंड देन ये कमांड्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बाय।